दोस्तों क्या आप भी बनाना चाहते हैं पानी पूरी, तो आप देख सकते हैं हमारा कैसा बना है। अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं पानी पूरी बनाना, तो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं हमारा कितना क्रिस्पी क्रंची बना है। अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं तो ओल्ड की फेमस पानी पूरी एकदम क्रिस्पी क्रंची बनाने का मैं तरीका जो बताने जा रहा हूं ना, ये तरीका अगर आप लोग देख लिए तो बहुत ही आसानी से घर पर बहुत आसानी से बनाना सीख जाएंगे। और जो भी है बहुत एकदम क्रिस्पी क्रंची आपका बनेगा। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया। हेलो दोस्तों, स्वागत है दिल से हमारे यूट्यूब चैनल में। चलो मैं आप लोगों को अब बनाना सिखाता हूँ एकदम बहुत ही सटीक और आसान तरीका। आप लोग देख सकते हैं आज का जो मैं गोलगप्पा बनाऊंगा ना, ये सिर्फ यही सामान है। देखो ये हमारा सूजी है और ये हमारा आटा है और गेहूं का आटा है, आप लोग देख सकते हैं एकदम। और ये आटा लगाने के लिए ये हमारा एक प्लेट है और बिल्कुल एकदम नॉर्मल, ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल ठंडा पानी है और ये दूसरा कुछ भी नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा हम डालेंगे, ये हमारा देखो चने का बेसन है और ये मीठा सोडा है। ये देखो गेहूं का आटा, सूजी, चने का बेसन और ये हमारा मीठा सोडा, यही चार सामान मिलाकर बनाएंगे आज का गोलगप्पा एकदम क्रिस्पी क्रंची। अब देखो सबसे पहले हम ये ले लेंगे पूरा सामान, और सामान लेने के बाद ये बिल्कुल जो है एकदम सटीक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से बनाओ और जबरदस्त एकदम आपका भी बने। ये हो गया एक कटोरी सूजी, उसके बाद ये हमारा आधा कटोरी गेहूं का आटा, ये आधा कटोरी गेहूं का आटा। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मतलब माप कितना लेना है, तो अगर आप चाहे गिलास लो तो एक गिलास सूजी और आधा गिलास गेहूं का आटा, और कुछ कौन सा भी बर्तन लो तो ये हिसाब से अगर लेंगे तो आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट ही बनेगा। अब उसके बाद देखो हम डालेंगे इसमें 10 ग्राम चने का बेसन, ये 10 ग्राम चने का बेसन, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे खाने का सोडा, 1 ग्राम खाने का सोडा। अब इसमें देखो 1 ग्राम खाने का सोडा, ये आ गया हमारा खाने का सोडा। उसके बाद हम इसको बिल्कुल एकदम बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा बढ़िया मिक्स हो जाए। जितना बढ़िया आपका आटा लगेगा एकदम बढ़िया, उतना बढ़िया जबरदस्त आपका गोलगप्पा बनेगा। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना कि जब तक आपका आटा बरोबर नहीं लगेगा तो आपका गोलगप्पा बरोबर नहीं बनेगा। अब ये हिसाब से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बढ़िया आटा हमारा लग के तैयार हो। अब ये मिक्स होने के बाद देखो हम इसको बिल्कुल एकदम वो नॉर्मल पानी जो बताया था, सिर्फ 1 गिलास पानी है, अब इससे ही हम इसका आटा लगा लेंगे ताकि हमारा आटा बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग के रेडी हो। जब आपका आटा परफेक्ट लगेगा तो आपका गोलगप्पा भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची ही बनेगा। अब ये हिसाब से बिल्कुल एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगा के तैयार कर लेना एकदम अच्छे से। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आटा, और अभी मैं पहले दिखा दूं आप लोगों को, ये ना ज़्यादा नरम है और ना ज़्यादा टाइट है। सिर्फ एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देना, कभी भी जब इसको इसका आटा लगाओ ना, तो आटे से जैसा हमारा रोटी खाने का रोटी है घर में सेम, उससे थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है इसका। कभी भी थोड़ा सा उससे टाइट अगर आटा लगाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट ही बनेगा। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम बाजार वाली, मैं खुद जैसा बनाता हूँ सेम वही तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आए अच्छे से और आप लोग बनाओ एकदम बढ़िया, एक बार में ही बनाना बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा एकदम परफेक्ट आटा लग के हो गया रेडी। अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि हमारा अच्छे से सूजी फूल जाए। अब इसको हम देखो कैरी बैग में ऐसा पॉलीथीन ले लेंगे और इसके अंदर भर के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 10 से 15 मिनट होने के बाद अब इसको हम निकालेंगे बाहर, और बाहर निकाल के हम थोड़ा सा इसको मसल लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे इसका पेड़ा।
ये हिसाब से अच्छे से मसल लेना है ताकि एकदम एकदम अच्छा आटा साफ हो जाए। जब आटा आपका अच्छा साफ होगा तो आपका गोलगप्पा भी एकदम परफेक्ट और जबरदस्त ही बनेगा। ये हिसाब से अच्छा ये साफ कर लेंगे बढ़िया से। देखो एक अभी 30 सेकंड हुआ सिर्फ, अब इतना देर ही मसलना है, एक मिनट से ज्यादा नहीं मसलना है। ये हिसाब से मसल के अब ये मसलने के बाद देखो ये अब इसको थोड़ा सा चपटा कर लिए हैं ताकि ये अब इसका करेंगे हम पहले कटिंग। कटिंग करने के बाद ये हिसाब से देखो कटिंग कर लेना है, उसके बाद फिर हम बनाएंगे इसका पेड़ा। ये देखो ये कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद अब इसको हम थोड़ा उठा के पहले रख लेंगे पॉलीथीन के अंदर ताकि हमारा ये सूखे ना। ये हिसाब से इसको हम पहले भर के रख लेंगे। ये हो गया हमारा। अब ये भरने के बाद अब इसको हम रख देंगे साइड में, उसके बाद अब बनाएंगे इसका पेड़ा हम। अभी आ गया हमारा चकला। देखो जो लोग भी सोच रहे घर पे बना के मतलब खाने के लिए बना के खाएं, उनके लिए बहुत ही खास बहुत जबरदस्त है ये वीडियो। ये हिसाब से देखो सिर्फ घर के सामान से, दूसरा कुछ नहीं लेना है। आप लोग देख सकते हैं बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है कि मतलब पानी पूरी बनाने का पूरा सामान क्या है, कुछ नहीं। आप लोग जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि अपने घर पर बनाओ और आसानी से सीख जाओ, ये हिसाब से देखो ये हो गया हमारा। कटिंग होना शुरू हो गया है। अब ये हो गया एक बार, देखो एक मिनट लगा एक बार में पेड़ा बन के रेडी। अब ये हिसाब से देखो दूसरा, फिर ये है काम चलाओ सब चल रहा है। देखो आप लोगों के लिए इतना दिमाग लगा के बना रहे ताकि आप लोग घर बैठे सीख जाए और आसानी से बनाओ, चाहे खाने के लिए बनाओ चाहे बेचने के लिए बनाओ। ये हिसाब से बिल्कुल एकदम आसान और सटीक तरीका जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो ऐसा अब हम पूरा कटिंग कर लेंगे। पूरा कटिंग करने के बाद फिर हम इसको बेलेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पेड़ा बनके हो गया है परफेक्ट एकदम रेडी। अब इसके अंदर देखो थोड़ा सा हम मारेंगे गेहूं का आटा। ये सिर्फ थोड़ा सा लेना है गेहूं का आटा, उसके बाद ऐसा हल्का सा मिला के ऐसा मिला देना है ये हिसाब से, और बिल्कुल एकदम हल्के हल्के हाथों से मिलाना है ताकि एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाए। अगर ये नहीं कि मतलब आप लोग क्या करें कि थोड़ा सा अगर दबा देंगे तो पूरा वो एक में मिक्स हो जाएगा कि मतलब चिपक जाएगा पूरा, इसलिए उसको बिल्कुल एकदम हल्के हल्के हाथों से मिलाना है ताकि एक दूसरे को चिपके भी ना और अच्छा हमारा पेड़ा भी बन के रेडी हो। अब देखो ये हमारा पेड़ा एकदम परफेक्ट हो गया बन के रेडी। ये हिसाब से पेड़ा बना लेना है, उसके बाद अब इसको हम बेलेंगे। वो भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा और बहुत ही आसान, आप लोग अपने घर पर सिर्फ घर के सामान से ही आपका बनेगा एकदम परफेक्ट। अब आप लोग देख सकते हैं देखो ये आ गया हमारा पन्नी जो मैं आप लोगों को बता रहा था पॉलीथीन। पॉलीथीन पे ही रखना है नया नया, जब तक समझ में ना आए जब तक आप लोग पॉलीथीन पे रखें ताकि एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बने। पॉलीथीन पे रखने के बाद अब इस पर हम आप लोगों को बेल के रख के दिखाते हैं कैसा हम लोग रखते हैं ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम आसान हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा बेलना शुरू हो गया है और ऐसा ही बेलना है। और कभी भी एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देना कि ये जब आप लोग बेलो तो इसको कभी भी घर के बेलन से ना बेलो। मुश्किल से 15 से 20 रुपए में ऐसा दो बेलन आ जाएगा। ये हमारा नल के कनेक्शन का पाइप है, ये दूसरा कुछ नहीं है। ये नल के कनेक्शन का पाइप का आप लोग जाके 2 फीट ले लेना है और उसको अलग अलग एक एक फीट का आपका ये 2 बेलन एकदम परफेक्ट बन जाएगा। इससे जब आप लोग बेलेंगे ना तो आपका जो गोलगप्पा है एक साइज का और एक जैसा ही बेल, ना मोटा होगा ना पतला होगा। अगर आप लोग घर के बेलन से बेलेंगे तो मोटा भी हो जाएगा पतला भी हो जाएगा, बाद में ख़राब भी हो जाएगा। तो आप लोग क्या समझेंगे कि मतलब पानी पूरी वाला बरोबर नहीं बताया, सही नहीं बताया। तो इससे अच्छा कभी भी जो सामान मैं आप लोगों को बताएं, अगर इतना सामान आपके पास है तो आप लोगों का गोलगप्पा एकदम परफेक्ट मेरे जैसा ही बनेगा, एकदम क्रिस्पी क्रंची ज़बरदस्त बिल्कुल एकदम सटीक तरीका है। और आप लोगों को मैं अगर साइज दिखाऊं ये कितना मोटा है कितना पतला है तो आप लोग देख सकते हैं।
ये हमारा जो पेड़ा था ये 5 से 6 ग्राम के बीच में है, इससे ज्यादा नहीं है। ये चीज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी भी इसको आप लोग 5 से 6 ग्राम का ही बनाए पेड़ा इसका, और उसके बाद इसको बेलो, एक साइज का बेलो। जब एक साइज का बेलेंगे तो आपका भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट और जबरदस्त बनेगा। नहीं तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो हमारा बेलने के बाद इसका साइज। सबसे खास बात यही है पानी पूरी बनाने का, जो आप लोग सोचते होंगे ना दूसरा कुछ है, पाउडर होगा या कोई राज होगा। और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मतलब आप तो झूठ बताते हैं, मेहरबानी करके आप लोग एक बार ये हिसाब से बनाकर देखो। अगर नहीं बने ना तो मैं आप लोगों को, आप लोग सिर्फ ये बताओ जो बोलो हार जाऊंगा, पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन ये तरीके से बनाएंगे तो, और नहीं बने तो आप लोग मैं कमेंट में आप लोग अपना नंबर देना, मैं खुद आप लोगों को बताऊंगा बनेगा कैसे। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा पानी पूरी फ्राई होना शुरू हो चुका है, और बहुत ही आसान और बहुत बहुत ही आराम से बना लेंगे आप लोग। अगर ये एक बार ये वीडियो आप लोग देख लिए ना तो बहुत ही आसानी से ही बना लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि मतलब हाँ कैसा फूला है, आप लोग खुद बताना कि मतलब हाँ सही है कि गलत है। और बहुत ही आराम से देखो ये जो हमारा फ्राई होके निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना जबरदस्त है ये। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं पानी पूरी वाले जैसा बनाना तो बिल्कुल एकदम आसानी से ही बना लेंगे। देखो एकदम क्रिस्पी क्रंची, और बहुत ही आसान तरीका बताया हूँ आज के वीडियो में, ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से ही सीख जाओ। ये देखो ये अब निकाल लिए, उसके बाद ऐसा डाल देना है, और इसमें कुछ भी नहीं देखना है कि मतलब ये ऊपर नीचे कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा तेल के अंदर डालो, उसके बाद ऑटोमेटिक फूल जाएगा पूरा। एक पपड़ी नहीं बनेगा आपका, सिर्फ तेल अच्छा गर्म रहे बढ़िया, उसके बाद देखो एक पपड़ी नहीं बनेगा। और अगर ये हिसाब से बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त ही आपका बनेगा। ये है हमारा असली तरीका। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं बिल्कुल एकदम गोलगप्पे वाले जैसा बनाना, तो घर बैठे बहुत ही आसानी से बनाना सीख जाएंगे आप लोग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।